नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट मोबाइल फोन की और बेस्ट स्मार्टफोन की जो काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों वो बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आने वाला है और बहुत ही अच्छे ब्रांड का है और बहुत से खास फीचर लेके आने वाला है। बात करेंगे हम जो मोबाइल फोन होगा, जो स्मार्टफोन होगा, वो होगा फ्लैगशिप मोबाइल फोन, काफी अच्छा और काफी लेटेस्ट और काफी यूनिक फीचर्स के साथ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो कुछ खास फीचर्स है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। काफी अच्छे फीचर से काफी अच्छे अट्रैक्टिव है, बहुत कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों आज हम वो करने वाले आपके साथ शेयर। अगर आपको ये फोन बाय करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। रियलमी GT 2 Pro 5G काफी अच्छा स्मार्टफोन है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ इंडिया में बहुत ही जल्द होने वाला है लॉन्च। अगर आपको ये बाय करना है तो आप कर सकते हैं इसका इंतजार कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इंडिया में होने वाला है लोन। तो बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 आपको देखने को मिलता है और 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन। काफी अच्छे और काफी अच्छे यूनिक और काफी लेटेस्ट फीचर्स के साथ आपको मिलने वाला है। तो बात करें इसकी प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 आपको मिलने वाला है, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट पर प्रोसेसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको सबसे फास्टेस्ट मोबाइल चाहिए है तो आप इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं, काफी अच्छे फास्ट वाले फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें इसकी गेमिंग की, अगर बड़े हैवी एप्लीकेशंस की तो आप जितना बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन जिसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप पबजी मोबाइल खेलोगे बहुत ही हार्ड सेटिंग में आप खेल सकते हैं, और जैसे कि आप फ्री फायर खेलेंगे उसको भी ऐसे खेल सकते हैं, और बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी की तो इन सभी को आप हार्ड फीचर्स के साथ आप बिल्कुल खेल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हार्ड से हार्ड अगर आप सेटिंग करते हो तो भी आप इसको आराम से स्मूथली आपका गेम चलने वाला है। तो बात करें इसकी डिस्प्ले की तो डिस्प्ले साइज भी काफी अच्छा दिया गया है, काफी बड़ा डिस्प्ले साइज दिया गया है, 6.7 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो कि काफी अच्छा साइज है। बात करें डिस्प्ले की तो ओल्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, ओल्ड डिस्प्ले काफी अच्छी है, सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है। तो दोस्तों ओल्ड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसकी रिफ्रेश रेट की तो 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। बात करें इसकी पिक्चर पर इंच की तो 307 पिक्चर पर इंच आपको देखने को मिलने वाली है। स्मार्टफोन काफी अच्छा, काफी अच्छी इसकी डिस्प्ले दी गई है, काफी अच्छी इसकी रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करें इसके साइज की तो वो भी अपने आप में काफी अच्छा दिया गया है। और बात करें इसकी ऑल ओवर लुक की तो बेजल लेस विद पंच होल डिस्प्ले दी गई है, तो कि अपने आप में सामने से अगर आप फ्रंट से देखते तो काफी अट्रैक्टिव लुक आपको देखने को मिलती है। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, काफी अच्छी लुक के साथ आता है और काफी ही आपको मजा आने वाला है स्मार्टफोन को यूज करके। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इसके कैमरा की तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियर कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, अपने आप में काफी अच्छा कैमरा दिया गया है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने मिलने वाला है और बहुत ही मजेदार फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इसके कैमरा की तो 50MP का इसमें प्राइमरी कैमरा मिलता है। बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा की तो 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैमरा की तो 8MP का थर्ड कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन काफी अच्छा, काफी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो बात करें इसके ऑल ओवर कैमरा की तो कैमरा बहुत ही गजब का होने वाला है, 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है, 30fps पे आपको 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। काफी अच्छे आपको फीचर्स आपको मिलने वाले हैं कैमरा सेटअप में। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो दोनों में ही आपको ये होने वाला है बेस्ट स्मार्टफोन। तो बात करें इसके फ्रंट सेल्फी शूटर की तो 32MP का इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है, और जो फ्रंट कैमरा है वो 32MP का, काफी अच्छी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 30fps पे आप फुल HD रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से कर सकते हैं। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, काफी अच्छे कैमरा सेटअप के साथ आपको मिलने वाला है। तो बात करें इसकी बैटरी की तो 5000mAh की इसमें बैटरी दी गई है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बैटरी, काफी अच्छा आपको बैकअप मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी इनफ होती है दोस्तों, अगर एक दिन का हमको बैटरी बैकअप चाहिए होता तो इनफ होती है, मोस्टली सभी फोनों के एक दिन का ही बैटरी बैकअप होता है। तो दोस्तों इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई जो कि काफी अच्छी है। तो इसमें ड्यूल सिम ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो दोनों इसी में आपको नैनो सिम देखने को मिलती है, नॉन एक्सपेंडेबल इसकी मेमोरी है, तो हाइब्रिड सिम इसमें नहीं दिया गया है, आप माइक्रो एसडी कार्ड इसमें नहीं लगा सकते, इसमें वैसे ही 256GB की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। तो बात करें दोस्तों इसकी लॉन्चिंग डेट की तो ये दिसंबर में ही लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन है, दिसंबर के एंड तक ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, दिसंबर 2021 में ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बात करते सबसे लास्ट में इसकी प्राइस की तो ये आपको 60,000 रुपए में आपको इंडिया में लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप लॉन्चिंग के टाइम आसपास लेते हो तो आपको ये 60,000 रुपए की कीमत में मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों अगर आपको इतना बजट तो बनाना ही पड़ेगा, अगर आपका इतना बजट है तो आप इस फोन के लिए इंतजार कर सकते हैं, काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी ही आपको मजा आने वाला है गेमिंग वगैरह करके, फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके,
या फिर आपको वीडियो वगैरह देखने का शौक है तो काफी अच्छे आपको मजा आने वाला है। बात करें इसकी ऑल ओवर लुक की तो वो भी एकदम बेस्ट होने वाली है। अगर आपको फोन करना है स्मार्टफोन ये बाय तो आप कर सकते हैं इंतजार। अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।